सारे देवी देवताओं को उसी दिन मुक्त किया गया था, और देवताओं के पक्ष से गणेश और देवियों के पक्ष से लक्ष्मी की पूजा की गई थी। उसके बाद गौरी गणेश की पूजा होती है। लक्ष्मी और गणेश की पूजा सिर्फ एक ही हो जाती है, इसलिए मनाई जाती है दीपावली। एक ही दिन दीपावली के दिन मध्यांतर में पूरी रात का जागरण होता है, स्तुति की जाती है, सुक्तियां पढ़ते हैं, अनेक तरीके से घोड़े उपचार विधि से पूजन करते हैं, और चार बजे ही एक सूप और गन्ने का टुकड़ा लेकर ईश्वर आए दलिद्र जाए, ईश्वर आए दलिद्र जाए, पूरे गांव से बाहर निकलते हैं। उसी दिन हमारे देवी देवता महाराज बलि के कैद से मुक्त हुए थे, तो देवियों के पक्ष से लक्ष्मी और देवताओं के पक्ष से गणेश की पूजा की गई थी। उस दिन से मनाई जाने लगी है दीपावली। महाराज बलि का अवतार होता है, बोले मांगो कितना चाहिए, बोले 2.5 कदम, और नाप दिया पूरा। भगवान का जब अवतार हुआ, महाराज बलि की पुत्री थी, उसके हृदय में भाव आ गया कि काश मेरा भी इतना ही सुंदर पुत्र होता तो मैं उसे स्तन पान करा सकती थी। ये भाव जग गया महाराज, और उसी युग के कारण, उसी योग को पूरा करने कारण वही बाली की पुत्री पूतना के नाम से जन्म लिया। आपने कथा सुना है, और अगर पढ़ोगे तो ये 27 प्रकार के प्रमाण मिलेंगे कि भगवान कृष्ण ने जब पूतना का स्तन पीना चालू किया तो आंखें बंद कर ली थी। आगे प्रश्न बनता है, ये पूतना महाराज बलि की पुत्री हुआ करती थी, उसके मन में भाव जग गया था कि अगर इतना सुंदर पुत्र होता है तो मैं भी स्तन पान करा लेती। भागवत कथा में या राम कथा में पात्र चार चार जन्मों से बधे हुए, एक जन्म से नहीं बदलेंगे। इसलिए कहते हैं बापन पूत पनातन घोड़ा ना ज्यादा तो थोड़ा थोड़ा। महाराज बलि का अवतार हुआ। अब पृथ्वी पर जब भी किसी के अंदर शक्ति आती है तो सबसे ज्यादा उसे आनंद शक्ति प्रदर्शन में आता है। आज लोग फेल भी हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम चाहे संगीत के क्षेत्र में जाएं, युद्ध के क्षेत्र में जाएं, वेद के क्षेत्र में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, मान लो हमने एक श्लोक किसी बच्चे को पढ़ा दिया, उसका व्याकरण भी बता दिया, उसका अभिप्राय भी बता दिया, लेकिन वो बच्चा उस पर अभ्यास करना छोड़ देगा, और जब समाज में बैठकर गुरु महाराज कह देंगे भैया ये सूक्ति पढ़ाओ, तो या तो गुरु महाराज का नाक कटवाएगा या मौन हो जाएगा। इसलिए करत करत अभ्यास के जड़मति होत, अभ्यास आवश्यक है। जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हो उस पे अभ्यास रत रहना चाहिए, क्योंकि ये कर्म योग है, सिद्धि योग है। ये कर्मयोग है। अगर आपने अपने कर्म में अभ्यास नहीं किया तो उसका कोई अभिप्राय। यही कारण है क्यों तिवारी जी वही गीत 100 बार आप बजाते हो और उसी स्त्रोत में पता नहीं कि अगली लाइन हमें क्या बोलना और किससे क्या बोलना, क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। आपको पता है ना मैं पारदर्शी आदमी, आदिदेवम जगत कारणम श्रीधरम 1000 बार बजा चुके हो, एक बार नहीं 1000 बार, पर पता है वो ध्यान नहीं रहा। जैसे आजकल हमारी माताओं को ध्यान नहीं रहा कि मस्तक की बिंदिया मान का सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, पर आज इस बिंदी की जगह बाथरूम के दरवाजे पे है, तुम यही रहो मैं बाद में आती है। न सिंदूर से आपका सुहाग का उम्र बढ़ता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। अब हमें ध्यान नहीं रहा, सिंदूर हटा दिया, मार्कर से काम हो रहा है। हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए किसी भी कार्य में, क्योंकि आपके हमारी या किसी की भी पहचान दौलत से नहीं है, शोहरत से नहीं है,
सुंदरता से नहीं है, अगर आपकी पहचान है तो आपकी गुणवत्ता से है, इसलिए उस पर निरंतर प्रयत्न करो, ये मेरा निवेदन रहेगा। हमें कौन जानता है? ब्रह्मांडपुरी हुई ब्रह्मांड में नहीं, कुछ नहीं ब्रह्मांडपुरी, पर ब्रह्मांडपुरी के अंदर जो उसके माता पिता का संस्कार, गुरुओं ने एक विद्या पढ़ाया, वो है ब्रह्मांडपुरी। ब्रह्मांडपुरी शरीर नहीं है, ब्रह्मांडपुरी एक गुण का नाम है और उसकी पहचान गुरु से होगी, यही चीज आप सब में होना चाहिए। अगर गुण ही नहीं तो क्या? पृथ्वी पे जब भी आप आगे बढ़ते हैं शक्ति प्रदर्शन करते हैं, आप कहते हो ना रावण, रावण का पाप बढ़ रहा है, अब भगवान के राम अवतार की स्थिति आती है, तो भाई आज आपको बता दें कि रावण का शाब्दिक अर्थ ही कुछ और है। रावण शब्द का शाब्दिक अर्थ है पापों का प्रायश्चित करके रोने वाला, और ये रावण ब्राह्मण कुल में हो करके उत्तम कुल पुलिस्त कर नाती। राम में 12 कला है, रावण में 14 कला है, पर इसकी वृत्ति ऐसे कैसी होगी? अफसोस होता है ना। इसकी वृत्ति ऐसे कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में महाराज प्रताप भालू कोई और नहीं था, काल केतु ने इसकी बुद्धि भ्रष्ट की थी, और यज्ञ में ब्राह्मणों को जो भोज कराया जाता था उसमें मांस मिला दिया था। आकाश बड़ी हुई थी, ब्राह्मण इस भोजन को करना नहीं, इसमें मांस मिला हुआ है, तभी उसे श्राप दिया था कि जाओ। त्रेता ने उत्तम कुल ब्राह्मण परिवार में लेकर के विद्वान होकर भी तुम्हारी वृत्ति राक्षसी हो जाएगी, तुम राक्षसी कार्य करो। इसलिए कहता हूं कि ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो तो नीचे अन्न खाए से, कि ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हो तो नीचे अन्न खाए से, और कुल कर हे नाश हो तो ब्राह्मण सताए से। ज्ञान और बुद्धि दोनों भ्रष्ट हो जाती, कल प्रमाण दिया था ना आपको, एक सेठ जी बैठे थे, सेठ जी ने 10,000 की घंटियां गिननी चालू करी, उसमें एक बाबा भी आ गए, संत आ गए, संत के मन में पता नहीं क्या है, उसमें से एक घंटी उठाकर अपने बटवे में डाली और चलते बने। तो भाई मेरे, जब धन जाए ना तो धर्म पहले ही चला जाता है। माल कौन ले गया? बाबा। लाला ने अपने बालकों को चलाना, अरे तुझे सब कुछ दिया पर फिर भी, तुझे सब कुछ दिया फिर भी, रात भर बहस हुई, सुबेरे बाबा जी वापस आ गए। सेठ जी राम राम के मामला, बोले ना जी पूछना है आके साथ तो सब कुछ कर दियो हमने, पर फिर भी इनने पैसे चुरा लिए। बोले पीछे इनने ना चुराए, मैंने चुराए, पर आज आप? बोले हो मैंने ही चुराए पैसे। तो बोले वापस क्यों आए? बोले कुछ पूछने आया वो जी। बोले क्या? बोले लाला ये बता, जिस चावल का तूने मुझे खीर बनाया था ना, वो चावल कहां से आया था? बोले जी वो 2 नंबर का माल था। संत ने कहा तभी तो मैं समझू मेरी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गई, चोरी का माल खाओगे तो चोर बन जाओगे, जैसे खाओगे अन्न वैसे हो जाएगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसे हो जाएगी और अगर इनमें सुधार ना करी तो तुम्हें ना बचाए हो घरदानी, वो भी नहीं बचाएगा। हर अवतार का एक कारण है, राम का अवतार होने का भी एक कारण है। देवऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं, इंद्र महाराज जो है ना सबसे ज्यादा डरने वाले हैं, अगर कोई भी साधना करेगा तो इंद्र पहले कहता है कि मेरा सिंहासन ना चला जाए, शांति। इसलिए हमारे आचार्य विद्वान जब आपकी पूजा कराते हैं ना,
तो उठते टाइम तीन बार नीचे जल डालते हैं और कहते हैं इसको ऐसे रगड़ के मस्तक पे लगा देना, नहीं तुम्हारी साधना का फल इंद्र ले जाएगा। इनको भय हो जाता है ना कि भाई अब तो क्या दस दस, क्योंकि दुनिया में एक बात याद कर लो कि कुत्ते को घोड़े की गति नहीं बर्दाश्त होती और आदमी को दूसरे की प्रगति नहीं बर्दाश्त होती। कुत्ता अगर रात में भूखे ना, हिम्मत हो तो गाड़ी लगा देना, चुप हो जाएगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, और गली में से निकलोगे तो भागे गए मेरे से आगे क्यों जाम लग रहा, खड़े हो जाओ चुप हो जाएगा। तो यहां बाबा ने प्रमाण भी कुत्ते से ही दिया है कि सुख हाड़ ले भाग ही, कि जिस तरीके से सिंह की दहाड़ सुनकर कुत्ता हड्डी लेकर भाग जाता है और चूसता है, खून निकलता है, बड़ा आनंद आता है, बाद में पता लगता है कि वो तो मेरा ही खून पी रहा था। ऐसे देवराज इंद्र जब कोई साधक साधना करता है तो डर जाते हैं कि कहीं मेरा सिंहासन, आदमी यही हो रहा है ना, समाज में अगर किसी का वर्चस्व बढ़ रहा है, सुंदर कार्य हो रहा है तो किसी को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो आज कुत्ते भोंक रहे हैं। तो कुत्ते को घोड़े की गति और आदमी को दूसरे की प्रगति बर्दाश्त। देवराज इंद्र को भय हुआ, देव ऋषि नारद की साधना के लिए रामायण दिव्य सरा परियों के सरताज पर हित प्रतिक्षण के लिए गांव वसंत बहार उनको भेजा। देव ऋषि नारद ने पुष्पवाणों से मारा, कामदेव भस्म हो गया है, हिंकार जग गया, मैंने के लिया देव, मैंने तुमने क्या कर लिया, यही चीज खा जाती है आदमी, मैं करोगे ना तो एक बकरे जैसे मैं लो। इस मैं को मैं में समाहित कर दो तब आप बनोगे हरि भक्ति के साधन। गर्व हो गया, अब अगर किसी से ये कह देंगे जगपाल बाबू कि ये बात किसी से कहियो मत, ओहो तो सूरज उगने से पहले, अभी आप रात चार दिन से दवा मत रही है ना, अभी किसी ने प्रचार नहीं किया, और अगर वो कह देते भाई लोगों से कि बेटी सिर्फ तेरे लिए दे रहा हूं फ्री में और किसी को मत बताइयो, लोग आ जाएंगे, ठीक है पापा मैं किसी को ना, मेरी बहन ने बोला हूं खाली, मेरी सासू ने बोला हूं, और अगर कह दे कि सबको बोलो सब आए सबकी सेवा बोले, कह देती पर वो सुने ना, लोग विश्वास ना करे पापा। तो दुनिया ऐसी है कि जिसे रोके विरोधी, इसलिए विरोध भर्ती करनी पड़ेगी उनको, इन्हें जिस चीज के मना करोगे बार बार करेंगे। ऐसा हो गया कि एक माई आई बोले बाबा एकादशी व्रत लेना, बहुत अच्छी बात है, एकादशी का व्रत करके आंवले के वृक्ष के नीचे अगर ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो बैकुंठ का फल मिलता है, पर चावल मत खाना, चावल निषेध है। थोड़ी दूर गई उसके बाद आई बाबा उसी दिन शिवरात्रि आ गई, तो माई उस दिन शिवरात्रि आ ही नहीं सकती, नहीं आ गई तो ये तो किंतु और परंतु जब आ जावे तो सत्संग का फायदा कोई ना ले पावे, क्योंकि संसार जानने के लिए और परमात्मा तो सिर्फ मानने के लिए, आप परमात्मा को जानने की चेष्टा मत करो। आज की दशा अगर क्या हुआ, आज से मैं बता रहा हूं, एक माई ने पहन ली चूड़ी, चूड़ी पहन ली, अब इनकी जब तक कोई तारीफ ना कर दे श्रृंगार का मतलब ही क्या, हम मीठा इसीलिए बोलते हैं कि लोग प्रभावित हो, श्रृंगार इसीलिए करते हैं कि लोग आकर्षित हो, नहीं तो भगवान को तो इसकी गरज ही नहीं है, जिसके जीवन में गुणों का श्रृंगार ऐसे वाह श्रृंगार की क्या गरज है, ये ज्यादा सोना सोना हराम कर देता है। पहना दी चूड़ी अच्छी वाली, दिन भर किसी ने भी ना तारीफ करी, नहीं मेरी तो तारीफ किसी ने की ना, अभी चूड़ी पहन के क्या करना,
तारीफ तो होनी चाह, इनने भी ना करी, उनने ना मेरे ना, ललिता भी ना करी, सामानी मेरे खसम ने भी ना करी, किसी ने ना करी, हम क्या करें? उनने अपने घेर में आग लगा दी, इनने लगा दी घेर में आग। जगपाल भैया, पंडित भैया आए, जब ये सारे लोग भैया आग बुझाने पहुंच गए तो घाय घेर जल रहा, उसका टेंशन रहा, ए भैया यंगे को डाल दे, यंगे को, ए यंगे को डाल दे, चूड़ी दिखावे, यंगे को डाल दे। दूसरे एक बुड्ढा था, बोले बहन चूड़ी बड़ी प्यारी दिखे, बोले दिन में बोलता तो घर में आग कहां तो लगती। बाजार में गए, एक ने सोने की अंगूठी पहनी, उसी दिन सब्जी वाले ने भी कड़ा बिठाया था, बंटी भैया अब वो गया तो अभी भैया बैगन दे दो, ठीक है नहीं, लेकिन वो बार बार नो दिखा, ए ये आलू क्या भाव, ये उंगली दिखा था सोने की अंगूठी, ए आलू क्या भाव, बटाटा क्या भाव, प्याज क्या भाव, ये क्या भाव, मतलब वो ये दिखाना चाहता है, मैंने अंगूठी पहनी है। अब उसी दिन उसने भी कड़ा बनवाया था, बाजू बंद, जैसे इतने कहे कि जी हम ये आलू क्या भाव, बोले 5 रुपए किलो। मटर क्या भाव, 10 रुपए किलो। तेवा है आवरण का दिखावा, भक्ति का दुश्मन है। अंतःकरण से हृदय में हरि का वास हो और परमात्मा पे श्रद्धा और विश्वास हो, तब तो भागवत कथा श्रवण का लाभ है। नहीं तो बस कांदा 5 रुपया क्या भाव, ये भाव में ले जाओगे। बिहारी देवराज इंद्र की व्यवस्था निष्फल हुई है, नारद को अहंकार हो गया है कि मैंने काम को जीत लिया है। भागते हुए भगवान विष्णु के पास, ब्रह्मा के पास, शिव के पास, शंकर के पास चले जा रहे हैं। शिव के पास गए, उन्होंने कहा देखो देवऋषि नारद, ये बात मुझसे कही थी लेकिन किसी से बताना, सही बात समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा, शिव को मेरी प्रशंसा और प्रगति अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मना कर रहे हैं कि किसी और से मत बताना। ब्रह्मा के पास जाते हैं, वहां भी मैंने काम को जीत लिया, ब्रह्मा ने भी कहा कि किसी को मत बताना, ठीक है, साधना गुप्त विषय है, साधना के अनुभव बताए नहीं जाते, साधना बताने से खंडित होती है, ये तो एक हाथ से करा तो दूसरे को खबर भी ना हो, गुप्त दान का जो महत्व तो है ना, अनाउंस करने से ज्यादा है, बिन फेरे हम तेरे, रुक्मणी के जैसे, नहीं नहीं नहीं, लेकिन नारद जी के तो वाह भाई वाह, विष्णु की तो छोड़ो, ब्रह्मा भी उनके जैसे हैं, मेरी तारीफ मेरी प्रशंसा इन्हें भी अच्छी ना लगती। विष्णु के पास पहुंच गए, विष्णु जी ने सुना और कह रहे रे रे, उनको तो अहंकार आ गया। भगवान ने एक माया की सुंदर नगरी बसा ली है और स्वयं भी लक्ष्मी ने जाकर विश्व मोहनी के स्वरूप में अवतार लिया। देवऋषि नारद ने जाकर उसका हाथ देखा है, माताओं का एक स्वभाव है, घर में जाए बाबा देखो ना मेरी बेटी को कैसा घर और घर मिलेगा, 1 किलो दाल में किसी की बेटी का संसार नहीं चलता, पर वो माँ का प्यार है, जाने लगे तो जरूर पढ़ती थी। माँ के घर पहुंचे, माँ ने उठाया बाबा हाथ देख लो इसमें क्या रखा है, देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ इन हाथों में होते, इसी में सूर्य पर्वत है, इसमें शनि का प्रभाव है, इसी में आयु रेखा है, इसी में मणिभद्र रेखा है, खैर ज्योतिषियों का विषय है, हम अंगूठा टेक बाबा उधर ना जाए तो अच्छी बात है ना, दसो संख्या राजा दसो चक्र जोगी लक्षण है। आज देवऋषि नारद उस कन्या का हाथ देख रहे हैं, कहते हैं राजयोग है, देख रहे हैं राजयोग है, इसका विवाह स्वयं श्री हरि से होगा, लेकिन देवऋषि नारद ने कन्या की आंखों में देख लिया, तो आंखों में कभी नहीं देखना चाहिए, ध्यान रखना,
सतगुरु और सिद्ध की आंखों में मत देखना, उसके साधना की ज्वाला से बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और युवा कन्या की आंखों में भी मत देखना कि नैना की जख में घाव करत गंभीर, देखन में ऊंची लगे विविधत सकल शरीर। नैना की जख में बड़ी घाव करत गंभीर, तो देखने में वो अच्छी लगे वेदत सकल। देव ऋषि नारद ने कन्या की आंखों में देखा और उनपे काम किया। इसलिए आदि शक्ति जैसे चरणों में देखा जाता है, और जब राधा रानी या भगवती के चरणों में जाओ तो उनके चरण रज लिए जाते हैं, चरणों में तिलक लगाया जाता है, साष्टांग दंडवत किया जाता है। हमारी आपकी इतनी क्षमता नहीं कि हम उसके मस्तक के तिलक लगाए, ये भी ध्यान रखना। चरण हम ऊपर जाकर माथे तक पहुंचने की क्षमता हमारी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। देवी श्री नारद कह रहे, मैं तो जटाधारी सन्यासी, हमारे से कौन क्या विवाह करेगा। भगवान श्री हरि के पास पहुंच गए, महाराज आपसे आज मैं कुछ मांगने आया हूं। बोले क्या मांगू, बोले क्या मांगोगे, तो एक दिन के आगे आप अपना सुंदर स्वरूप मुझे दे दो। एक दिन के लिए आप मुझे सुंदर स्वरूप दे दो, मेरा भी घर बस जाए, मेरा भी बुला। परमात्मा ने नारद के इस भक्ति अहंकार को तोड़ने के लिए बंदर का स्वरूप दिया। साधक हो, अगर सही रास्ते के लिए मांगने जाओगे तो अमृत मिल जाएगा, अगर कुमार्ग के लिए मांग ले जाओगे तो तुम्हें विष ही मिलेगा, भले भगवान का द्वार क्यों ना। देवजी नारद ने भगवान का सुंदर स्वरूप मांगा और भगवान ने उन्हें बंदर का मुख दिया। स्वयंवर रचाया गया है, देव ऋषि नारद का भी आगमन हो गया है, देवियां मिलती हैं, सारे लोग मिलते हैं। अरे मेरे गले में माला डल जाए, मेरे गले में माला डल जाए, जैसे जैसे विश्व मोहनी चलती है, देव ऋषि नारद आगे आगे जाते हैं। यहाँ कई प्रमाण कई क्षेपक हैं, कई जगह तो ये बताया गया है कि तीन देवियां मिली और कह देव ऋषि नारद विवाह करने आए हो, शीशे में चेहरा तो देख लो। और देव ऋषि नारद ने देखा उनका मुख बंदर था, और क्रोधित होकर उन्होंने साफ दे दिया कि जाओ श्री हरि विष्णु, आज जैसे पत्नी के विरह में मैं तड़प रहा हूं, एक दिन आप भी इसी तरीके से पत्नी विरह में तड़पोगे। हम संत हैं, और जब आप पत्नी विरह में तड़पोगे तो यही बंदर का मुख, यही बंदर का शरीर आकर के आपको आपकी पत्नी से मिलवाएगा। परमात्मा श्री हरि को, और यही कारण है कि भगवान का अवतार बाद में हुआ है, उनके पार्षदों का अवतार पहले। तो कहने का श्रेय है कि बिना कारण कोई अवतार नहीं। हरि तेरी लीला है परम पापा, तेरी लीला है परम पापा, तेरी लीला तू जाने दे जाता
तल पे पाप बढ़ा है, संताप पाप और ताप ये तीनों शरीर का विनाश कर दे। ताप यानी ज्वर, संताप यानी अतिशय क्रोध, ये मराठी शब्द है। अगर आपके हृदय में क्रोध है तो शरीर के अंदर जो जठर अग्नि इतनी तीव्र बनेगी कि हलवा पूरी नहीं देसी घी खाके भी खून नहीं बनेगा। इसलिए ताप और संताप हृदय में अगर भाव देखेंगे तो एक प्रमाण आया है कि जब महाराज भरत जी मिले थे ना राम से, तो वहां लिखा गया है कि त्याग ताप चाप यरु भेसा। भरत जी जब मिले थे तो भगवान ने तीन चीज छोड़ दी थी, त्याग छोड़ दिया, ताप चाप और भेष। ताप का मतलब भगवान का क्रोध से शरीर इतना गर्म हो गया था जैसे ताप हो गया हो, बुखार हो गया हो, ज्वर हो गया हो।